अच्छा आपने नेगेटिव किरदार भी अदा किया बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी किया नेगेटिव के बाद बाहर लोग पकड़ते नहीं नहीं ज़्यादा करते हो ज्यादा प्यार करते हैं नेगेटिव को हाँ हमारे ड्रामे का हीरो एक ही है तो जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो जो वाकई आपको पसंद करते हैं उनको आपका एक और शेड देखने को मिलता है किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं मैंने बड़ा सपोर्ट किया है खास साहब को बट कहीं ना कहीं मैं अब ये मानता हूँ कि जिस सूरत हाल में हमें मुझे लगता है हमें एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन की जरूरत है कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे लगता है छोड़ देना चाहिए काम घर बैठा बड़े लोग हैं जिन्हें छोड़ देना सीखा <laughs> है। है। दिल दिल हम तीन लोग थे थे कमरे में और ऐसी बातें बाते कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई खाने वाला अभी दरवाजे पे आ जाएगा इतनी देर में बेल हुई दरवाजा खोला तो वो एक खातून थी जो बिल्कुल बेधड़क वो अंदर आ गई और वो बैठ गई बिस्तर पे और सर वो से गई है। नहीं 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 लेटी नहीं, लेटी नहीं, वो ऐसे बैठ गई है हूं नाजिर अली एक्टिंग और सिंगिंग से जिसको शोहरत बहुत मिली पॉडकास्ट में आए हैं वही आगा अली वाह जी क्या बात क्या बात है दो काफियों में मैंने समेट बात समेट दी है याद रखिएगा पर बहुत अच्छा लगा आपका शेर भी आप भी आपका घर भी और आपका चैनल तो है ही हमारे दिल के बहुत करीब बाकी और हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट मैंने मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप सबसे पहले रब का शुक्र गुजारू कि आप हैं है फिर आपका कि आपने इतना कमाल काम बनाया बिकॉज मैं बड़ा मुझे बहुत शौक है कॉमेडी देखने का स्पेशली जब मैं अकेला होता हूँ कभी वक्त गुजारा होता है और मूड अच्छा करना होता है तो मैंने बहुत देखा है जा रहे हो? <laughs> और वो मैं, बहुत, बहुत एक लिफ्ट में मैं बता रहा था आपको अभी गधा आपने घुसा दिया और लवली जो पॉडकास्ट आप करते हो अभी तो खैर वायरल होने की भी कसम खाई हुई है इस पॉडकास्ट ने मैंने बड़े बाकी बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा जो जिस तरीके से भी अब हमने कर दिया इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है बिल्कुल थे ऐसा थे है, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही ही बट ना वो एक एवरेज आदमी को भी जगह दे देती है लोग बहुत जल्दी हर फील्ड में हार मान जाते हैं ऐसा ही ऐसा तो कुछ ही है। और करो यार ये नहीं आ रहा समझ तो यहाँ पे आके आती है प्रॉब्लम हो सकता है वो थोड़े टाइम के बाद कामयाब होने वाला होता बिल्कुल, बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा आई थिंक अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि देर कितनी लग रही है और आपको वो मेहनत जारी रखनी अगर आप इफ़ यू रियली फॉलो दैट पैशन आई थिंक यू द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि आपने माशा सिर्फ यूट्यूब से खुद इंडिपेंडेंटली स्टार आपको इतने लोग प्यार करते हैं बहुत सर एक्टर भी हैं जी सिंगर भी हैं जी प्रोड्यूसर भी हैं थोड़ा थोड़ा सा सा <laughs> और माशाल्लाह आपका कपल भी माशाल्लाह इतना ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में तो क्या क्या है आप और कहाँ कहाँ इन्जॉय कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंजॉय कहाँ किया एक्टिंग में सिंगिंग में कहा किया सर अल्लाह का बड़ा करम है कि जब एक्टिंग शुरू की तो उस उस मैदान में भी बड़ा मज़ा आता है और बहुत मज़ा किया भी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया आ, बहुत काम भी किया बहुत कम अरसे में ही म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मेरे मेरे से बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है बिकॉज एक्टिंग से पहले आ, मैं अंडरग्राउंड करते थे हम कॉलेज में करते थे सो वो एक पर्सनल शौक भी है और इसका बहुत दिल करता है कि लोगों तक भी पहुंचे बहुत नसीब वाला होता है जिसका शौक पेशा बन जाए बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे साथ ऐसा हुआ भी और और टू तो बी ऑनेस्ट कोई और ऑप्शन भी नहीं था okay. क्योंकि पैसे पूसे थे नहीं कोई और काम की पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए या कुछ तो मैं एक सिंपल बैचलर्स ग्रेजुएट हूँ कभी मैंने मास्टर हाँ। वास्टर नहीं किया किसी चीज़ में क्योंकि फ़ीसों के पैसे वैसे होते नहीं थे

मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में इस बारे में जब भी बात हुई है मैंने हमेशा बताया है कि आ, अगर मेरे फादर हयात होते तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती बट मैं सिर्फ पाँच साल का था जब भी वो आ, अच्छा अच्छा गुजर गए और, और क्योंकि फिर वो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप और आ, मेरी वालदा ने आ, आपके लिए अकेले ही हमें बड़ा किया और आ, फैमिली मेम्बर्स वो काइंड इनाफ दे यूज़ टू बी अराउंड लेकिन जब भी पढ़ा हुआ मैं और जब मैं कॉलेज वॉलेज में गया मैं स्कॉलरशिप में पढ़ा ग्रेजुएशन में भी आ, और उसके बाद क्योंकि मैं पैसे कमाने लग गया था तो मुझे लगा कि शायद इसी को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि पैसों की बड़ी बादशाह जरूरत आ, भी पैसा फ़कीर से लेके बादशाह सबकी ज़रूरत सबकी ज़रूरत है तो वही वजह बनी और थिएटर के बाद ही मैं थिएटर कर, करता ही था कॉलेज में अभी पहली ऑफ़र हुई उससे थोड़े पैसे मिले वो पैसे एक नॉर्मल जॉब से थोड़े ज़्यादा ही लगे आ, फिर इसी तरह करते करते मैंने थोड़ी मॉडलिंग की रैम्प करता था मैं साल डेढ़ साल वो किया फिर एक शो मिल गया होस्ट करना शुरू हो गए तो महीने के थोड़े और अच्छे पैसे आने लग गए अच्छा मॉडलिंग के हवाले से बात हो रही है मॉडलिंग के हवाले से ज़रा बताएं कि क्या कल्चर है पीछे बैक में क्या मामला होते हैं कि एक जो स्ट्रगलर मॉडल होता है गुड लुकिंग मॉडल होता है और वो आता है एक मेरिट उसके जहन में कि शायद मैं गुड लुकिंग हूँ और मुझे बड़े बड़े रैम शो मिलेंगे कमर्शियल्स मिलेंगे सर तो उसको क्या थोड़ा है इस या ये मेरी, खुल, खुल के पूछो ना गेजम और वो सारी चीजें भी देखे एक बड़ी सिंपल बात है आप दुनिया में किसी भी फील्ड में ब्रेक चाहते हो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे लोग भी मिलेंगे शॉर्ट कट का ऑप्शन भी मिलेगा लॉन्ग कट का ऑप्शन भी मिलेगा नहीं मैं तो आपका एक एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूं। ऐसा कुछ देखिए मेरे एक्सपीरियंस में एक्चुअली मैंने कोई खास मॉडलिंग की नहीं क्योंकि मॉडलिंग में इतने पैसे नहीं थे अच्छा और रैम्प शोज करने के लिए मुझे स्पेशली अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं आप मेरी पहली इंटरेक्शन थी जो एक एजेंट थी जो जिनकी कंपनी थी जिसके थ्रू मॉडल्स जाते थे वो एक खातून थी समरा जया उनका नाम था और मैं बहुत ही छोटा था तो हमारे करीबी अंकल दोस्त थे उनके थ्रू उन्होंने मुझे वहाँ भेजा मैं उनसे मिला मेरी हाइट वाइट लंबी थी तो उनको शायद लगा कि रैंप हो सकता है और ये थोड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये मॉडरेट लेवल के लोग थे दे वर नॉट द सुपर डुपर ऊपर वाले लोग नहीं थे ये वो थे जो कम पैसे देते थे कम पैसे कमाते थे और तो, तो मेरा इतना ख़ास कोई इंटरेक्शन रहा नहीं आपकी अब रिहाइश इमार में है Uh, फिलहाल जी यस yes, एक इस पब्लिसिटी की क्या जरूरत है फिर? नहीं मैं ये पब्लिसिटी का सवाल मैं आपको बता रहा जो का तीनों हजरा आपको मैं बताऊँ बुर्ज खलीफा जिसने बनाया वो कंपनी <laughs> और वो आज ये समझ लें बड़े महंगे वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं इससे पहले आप कहाँ रहते थे इससे पहले मैं देखिए मैं हूँ लाहौर से

अच्छा मेरा मेरा जो भी फैमिली वैमली जो भी सब है वो सब लाहौर में सही और आ, मैंने कराची में अभी तक आ, अब पता नहीं इसमें कराची बेचारे का कसूर है मेरा कसूर है किसी पे भरोसा करने का कसूर है बट मैं कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट शायद कराची में नहीं, नहीं करूँ करूंगा। नहीं करूंगा। दो बार मैं ऐसा करके पछता चुका हूँ और क्या एक आध बार, बार मेरे पैसे वैसे भी बड़े आया हुए हैं तो मैं थोड़ा मुझे लगता है शायद मे बी इट्स नॉट मेरे सूट नहीं करता है। एक बिजनेस भी शुरू किया उसमें भी बड़े पैसे डुबाए तो मुझे आप अनफॉर्चुनेट रहे असल में कराची तो मतलब नहीं कराची ने बहुत दिया सर देखो आप, आप जो भी, भी प्रॉपर्टी तो इतनी ज्यादा यहाँ कमाते हैं लोग हमेशा कहता हूँ जो भी, जो भी मैं आज हूँ अगर उसमें मैं किसी शहर को क्रेडिट दूंगा तो वो मैं कराची को ही दूंगा क्या बात है लाहौरी बोल रहा है वरना बिल्कुल लाहौरी बोल रहा है और, और और मैं दिल से मानता हूँ और मुझे बहुत प्यार है कराची से हाँ। मेरा तो एक किस्म का घर यही है क्योंकि पिछले 10-11 साल से लाहौर में रहना मेरा कम होता है यहाँ रहना ज़्यादा होता है तो आपके लिए जवानी मुझे यहीं आई और लगता है ऐसा ही है कि भी यहीं आएगा सो मेरे लिए दिस सिटी इज़ ऑलवेज ऑलवेज वेरी डियर लेकिन सफ़र अल्लाह पाक ने बहुत कामयाब किया लेकिन सफर और अंग्रेजी वाला भी दोनों ही बड़ा ज़रूरी है जिंदगी के लिए तो दोनों ही किए सर सिंगिंग की बात हो रही है जी कुछ सुना देना फिर कुछ सुना दो मैं आपको जानम फ़िदाए हैदरी थोड़ा समय दो लाइनें जी जी जरूर जानम फिदा याली अली अली, 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 अली। जानम फिदा है दरी अली, अली, अली।, है अली, 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 अली क्या बात है अच्छा थैंक यू ये आप इससे कॉन्सर्ट में ओपन करते हैं जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल इस बार भी सोलह के बाद शायद ये अपलोड हो तो मैं उन लोगों का शुक्रिया हाँ। अदा कर देता हूँ जो सोलह को पोर्ट लाए ला सोलह जुलाई सोलह जुलाई के बाद ही होगी ठीक है और फिर एक शो और एक्सपेक्टेड है इन ऑगस्ट तो उसके लिए फिर हम आपको भी बुलाएंगे जरूर मैं जरूर आऊँगा आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ किया है एक्टिंग मॉडलिंग और सिंगिंग अह प्रोफेशनली द एक्टिंग बिकॉज़ एक्टिंग फॉर श्योर क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नौ साल के अरसे में करीबन 70 सीरियल्स में एज ए हीरो एज द मेन लीड 70 सीरियल्स काम किया है जी 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 एंड आई थिंक दैट्स अ लॉट फॉर अ हीरो इन नाउ डेज स्पेशली Uh, अभी तो uh, इतना काम मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ पर जब मैं आया था तब हम एक वक्त में दो दो तीन तीन ड्रामे भी कर लेते थे प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा थे सिस्टमेटिकली इंडस्ट्री थोड़ी अलग थी uh, तो एक्टिंग में ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया बहुत सबसे हाईली पेड प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें सबसे अभी, अभी तक, हाँ। तक का हाईली पेड वॉज रिसेंटली बहुत मिला है नहीं भरपूर मिल गया भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो वैल्यू करते हैं हाँ। और सेवन्थ का इनमें से हंड्रेड परसेंट एक है द प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ मैं पिछले दो चार साल में सबसे ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ और इसमें कोई माएका नहीं होगा कि जख्म वॉज माई हाईली जख्म पेड प्रोजेक्ट यस जो रिसेंटली जियो से ऑनर हुआ और हाँ ये सच है कि उन्होंने अच्छे पैसे दिए <laughs>

या तो जो पसंद है उसे हासिल करो या जो हासिल है उसे पसंद करो क्या बात इससे बाहर नहीं है बात क्या बात है तो जो हासिल है ना जो भी है ब्यूटीफुल उसे पसंद करना पड़ेगा बिल्कुल सही अब कोई सही। बहुत बड़े अरबपति क्या है सामने शायद मैं कोई वर्त नहीं रखता वो बोले कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए जो भी है बिल्कुल अलमदिल्ला पर, पर अरब पति के पीछे भी तो एक एंगल होगा ना मैं इस तरह शायद लाइफ को देखता नहीं नादर आई बिलीव हर इंसान की अपनी जर्नी है जर्नी और अगर आप किसी अमीर बाप के घर पैदा हो गए और आज आप अमीर हैं तो मुझे नहीं लगता इंसान की मेरे सामने कोई खास इज्जत होगी आपकी बहुत होगी बिकॉज आई नो योर जर्नी आई थिंक हर इंसान लेकिन उसका लक भी है ना हाँ बुरा नहीं कर मजा आपको आता होगा वो उसको नहीं आता होगा जी ये तो फैक्ट है पैराशूटर और ग्रास रूटर की फर्क है तो ऊपर से आया है देखे नीचे से गए उसको कदर पता होती है चीज़ बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल और ही। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है जी ऐसा ही है अच्छा जी ए, अगर बॉलीवुड की तरफ जंप मारे जंप मारे कभी ऑफर कोई गुड लुकिंग तो है आप कभी आपको ऑफर हुई हो कोई अगेंस्ट ऐश्वर्या करीना कपूर कजोल और पता नहीं कौन कौन सी हैं हाँ, मुझे लगता है वो सब तो बड़ी लगेंगी मेरे से बहुत अच्छा लेकिन, तो और दीपिका कर ले नॉट सो फार जैकलिन कर ले ठीक है कर ले कर ले कब कर रहे हैं बताएं और और आप, 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 पसंद आप है? आपकी पसंद जब आप आपकी पसंद मेरी आई लाइक बॉलीवुड यार मुझे तो अभी रिसेंटली मुझे लगता है थोड़ी दूर नजर लग गई बेचारा को कोई खास अच्छी फिल्म वो नहीं ला पा रहे बट आई वॉच रिसेंटली वो तू झूठी में मकार एक फिल्म आई थी अच्छा? वो देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे, पे? रणबीर एंड श्रद्धा फिल्म हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगी वेरी वेरी नाइस वो डायरेक्टर ही बड़ा कमाल है लव रंजन वेरी फैंटास्टिक कभी कोई ऑफर वगैरह वहाँ से नहीं नॉट सफ़र so फिल्म की नहीं एक ड्रामे की ऑफर आई थी बहुत बहुत, बहुत अरसे पहले फिर एक पंजाबी फिल्म की ऑफर आई थी पर दोनों चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई Uh, ड्रामा शूट तो दुबई में करनी थी उनको और मेरा ऑलरेडी कोई शूट वूट चल रहा था या पता नहीं पैसों की कोई बात है बट देन लॉन्ग वो दो चार साल पुरानी बात है और दो तीन साल से तो वैसे ही इंडिया के नाम से आप uh, समझ जाएं कि किट्ठे कुछ नहीं हो सकता <laughs> तो ऐसी दस पंद्रह साल तकरीबन सर उतर अल्लाह जाने तो भी ऑनस्ट एक जो नज़र आ रहा है ना ग्राउंड रियलिटीज जो नज़र आ रही है या और खींचे थोड़ा आई थिंक टू बी ऑनस्ट इंडियन इंडस्ट्री कुछ खास इंटरेस्टेड है नहीं आ, और यहाँ आप कह लो उनकी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उनके लोग बहुत इंटरेस्टेड हमेशा रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ सिर्फ मेरे दो चार गाने ही हैं कल परसों में मैंने जिस आप लोगों को मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार यूट्यूब को एक्टिव करो और फिर हम करते नहीं हैं लेकिन वहाँ की इनकम का कुछ स्टेटिस्टिक्स उन्होंने मुझे खींच के भेजा तो 60 परसेंट ऑडियंस इंडिया की और 40 परसेंट पाकिस्तान और अलग अलग मुल्कों पाकिस्तान की है। तो, एक के यार, मतलब... तो, तो मतलब वो एक फैक्ट है तो मुझे लगता है हम लोगों के लिए काम करते हैं एक जुमला है कि पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती है सही बात अग्रीगर, अग्रीगर। सही बात देखिए इसमें इसमें कोई मुजायका नहीं है नादिर आज आपके मुल्क के जो सबसे टॉप स्टार्स कंसीडर होंगे आज, आज से पांच साल पहले भी दस साल पहले भी वो वही थे जिन्हें किसी भी वजह से चाहे वहां पे उन्होंने हिट काम किया है फ्लॉप काम किया है उनके बॉक्स ऑफिस पे दो चार लोग नहीं घुसे हो सिनेमा में या पूरे मुल्क ने देखियो हमारे मुल्क में आप उनको टॉप लिस्ट में पाएंगे तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते है थोड़ा सा असल में आगा साहब वो हमारी पाकिस्तान का एक वो लगा होता है ना बिल्ला और उसके बराबर में मेड इन फ्रांस तो वो उठा लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही लेकिन वहीं पे वहीं पे आपको ऐसा भी एक शख्स दो इनफैक्ट शख्स ऐसे भी मिलेंगे जो उसी लिस्ट में बरकरार हैं।

आज से बहुत तो साल पहले 2008 में एक फिल्म आई थी पाकिस्तान की उसका नाम था खुदा के लिए हाँ जी, और शेयब मंसूर साहब ने वो फिल्म बनाई थी और मैं लाहौर प्रीमियर पे गया था मैं बिल्कुल आप समझ लें इंडस्ट्री में, में मेरा आना हो रहा था रास्ते बन रहे थे तो एक प्रोजेक्ट हमने किया था उसमें फवाद खान भी थे सतरंगी नाम था उसका मेरा पहला ड्रामा ड्रामा प्रोजेक्ट था तो उस फिल्म के जब हम प्रीमियर पे गए तो हर इंसान की ज़बान पे एक ही बात थी कि दिस इज़ द इन पाकिस्तान नाउ इन 2008 थाउजेंड एंड एंड आई एम यंग गाय जो सोच रहा है इंडस्ट्री में आना तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि यार देखिए अब मैं काम शुरू करने वाला हूँ और सिनेमा रिवाइव हो जाएगा तो कल को फिर हम फिल्में करेंगे दिस वॉट वी वॉन्ट एवरी एक्टर और क्या चाहिए दो से अब दो चल रहा है और सिनेमा रिवाइव नहीं हो पाया जो नहीं, जो फैक्ट है नहीं हो पाया खुल के ना नहीं हो है, नहीं, आपके सामने है। एक आप मुझे बताइएगा अगर गलत हूं जी जी, कर रहा है लोग टिकट देखने उसी की फिल्म क्यों देखने जाएंगे नादिर आई एम सो सॉरी पर मैं कह रहा हूँ एक परसेंट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा ड्रामों में आता था रमजान ट्रांसमिशन में आता था मॉर्निंग शो होस्ट था वो कपड़े धोने वाले साबुन के ऐड में आता था कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा। लोग हमेशा एक अच्छी फिल्म देखने जाते है आप पड़ोसी मुल्क की एग्जाम्पल निकाल लेकि... लो कहीं की भी निकाल लेकिन लो लेकिन एक चीज है मैं निकल रहा हूँ फिल्म देख अब मैं कास्ट तो देखूंगा कास्ट कौन है देखो आप सबसे पहले देखोगे ट्रेलर अच्छा हमने कई फिल्में देखी हैं इंडिया में रिसेंटली अभी एक फिल्म आई थी फुकरे किसी को नहीं पता था उसमें कौन है वो कौन लोग थे नहीं, हाँ नाए, अच्छा, इसको शायद कहीं देखा है अरे हाँ ये भी से, कहीं देखा होगा हमें हमारे यहाँ एक फिल्म आई थी आ, अभी रिसेंटली खैर बहुत ही फिल्में आई हैं हमारे यहाँ तो पर आपने कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिस इंडिया में देखी होगी आई एम श्योर कि आपको ट्रेलर दिखता है आपको नहीं पता होता उसमें कौन है यहाँ भी एक सीरीज आई थी मिर्जापुर हर किसी को पता है उसका एक एक डायलॉग याद है उन लोगों को कहाँ देखा आपने उससे पहले सही आपने कहीं देखा उनको वेन द कॉन्टेंट इज़ राइट उसको करने वाले लोगों का चॉइस जब राइट होता है वो चीज़ दिल को लगती ही लगती है ये जो इतने बड़े बड़े स्टार बन गए हैं रणबीर सिंह रणबीर कपूर जिनके गानों पे हमारी आवाम नाचती है मेहंदियों पे हम सब उनके गानों पे डांस करते हैं ये लोग भी तो कभी पहली बार आए थे ना वो फिल्म पहली बार की थी किसी ने आप क्यों गए देखने के लिए अपने पहली बार क्यों देखी उसका भी तो डेब्यू था नहीं था वो कौन है नहीं नहीं वो इतना ज्यादा आपको लगता है कि हर जगह दिखना चाहिए आपको सलमान खान भी तो बिग बॉस करते हुए दिखता है छह महीने ये भी बात सही है हर वक्त दिखता है आप रात को लगाए सलमान भाई आपको सामने दिखेंगे हीरो बनते हुए भी दिखेंगे नहीं बनते हुए भी दिखेगा तो वो बंदा आपको में भी वो कर रहा तो फिर आप देखिए उसका ओवरडोज तो तो क्यों नहीं हो रहा आप अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति करते हुए देखते रहते हैं फिर आप फिल्म देखने भी चले जाते हैं वहां ओवरडोज क्यों नहीं होता ये तो बहुत चले ये तो सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं अच्छा, मैं इसमें एक दे प्लीज मजा आ रहा मुझे लेकिन सलमान खान जो बिग बॉस कर रहा है वो सलमान खान बन गया है जी। अब उसकी मार्केट है वो अपनी मर्जी से शूट रखवा रहा है अपनी मर्जी के पैसे ले रहा है सारी चीजें कर रहा है टीआरपी आ रही है बैठ के अभी मैंने आईफा अवार्ड अटेंड किया था आप यकीन करें कोई होस्ट होस्ट क्या बैठ के होस्टिंग करता है पब्लिक में जाके वो थक गया वो बोल रहा है मैं बैठ के करूंगा अब आप देखें ये उसका स्टार्टम है मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कि लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप अमिताभ और सलमान खान इंसान नहीं है वो तो फिल्म, फिल्म, सलमान खान बिग बॉस करता है बारह साल में उसकी हर आने वाली फिल्म चली है आपने कई फिल्मों में देख के गालियां भी निकाली होंगी आधी बंद भी कर दी होगी भी बोला होगा पागल हो गया क्या कर रहा है ये भी लोग ही बोलते हैं अभी रिसेंटली आए वो किसी का भाई किसी की जान जी जी वही इंसान जो बोल रहा है कि यार क्या बकवास क्या है ये और वही इंसान दो मिनट के बाद बोलता है बस टाइगर थ्री का इंतजार है क्यों इट्स द राइट फिल्म इट्स एवर एवर द स्टार इन इट कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म में कौन है बड़े बड़े ओवरनाइट सुपरस्टार बन जाते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उनकी राइट कास्टिंग हो जाती है ये दिमाग होता है जो एक इंडस्ट्री चलाता है अगर आप हो मुझे पता है आप हो और मेरे पास वो सब्जेक्ट है फिल्म में जो आपको सूट करता है उसकी परफॉर्मेंस में जो कैपेबिलिटी चाहिए वो आपके अंदर है तो वो फिल्म आप करो सुपर हेट हो सकती है क्यों नहीं हो सकती फिर तो कपिल शर्मा आपको नजर आता था रोज हर एवरी टू डेज अ वीक फिर उसकी पहली फिल्म आई सुपर टुपर हिट हुई अकेला हीरो था वो उसके अंदर क्यों देखने गई आवाम उसको फिर दूसरी आई तो क्यों देखने नहीं गई क्योंकि वो फिल्म सही थी नहीं। नहीं। सो आपको जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि काम किसी का है और करता कोई है जिसकी वजह से हम कभी हम खुद से झूठ बोलने वाले है लोग हैं ना हम हमारा प्रॉब्लम ये है अभी लाए हमें पता है हमें नाचना नहीं आता हम झूठ बोलते हैं हम मान लेते हैं कि हमें आता है हमें पता है हम स्टेज पे जब अपने एक्टर को डांस करा रहे हैं या हम अपने एक्टर से कहीं एक्ट करा रहे हैं तो उसका सीधा मुकाबला होगा जहाँ लोगों का दिल करेगा वहाँ से हम आज इतने से सिस्टम में काम करते हैं इतने बजट में काम करते हैं असली घरों में काम करते हैं सेट्स पे काम नहीं करते सबके लिए वैनिटी वैंस नहीं आती है हमारा प्रोडक्शन लेवल आज भी प्रॉबली किसी भी पड़ोसी मुल्क या बाहर चले जाएं आप जहां लोग हमारे वाला ही काम कर रहे हैं पर उनसे सौ गुना नीचे की प्रोडक्शन है पर जब लोग हमें देखते हैं तो वो टक करके मुकाबला किससे करते हैं उनसे जिनके पास सत्तर करोड़ फैसिलिटीज होती है वो उस, उस सब चीजों के मसले में काम का हल और कोई हल नहीं है सर हाँ अकल यू आपको सच्चा होना पड़ेगा आपको कम कम से आपकी बात से कंटेंट बजट नहीं बजट कभी भी जरूरी नहीं रहा फिल्म बजट भी नहीं सर देखें फिल्म पैसे बनाती है पैसे फिल्म नहीं बनती क्या बात है सिंपल बात है आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लें ये बड़ी ही बकवास लॉजिक है कि पैसे नहीं है इसलिए आपके पास सब्जेक्ट नहीं है सब्जेक्ट और आपके पास सब्जेक्ट है तो आपके दोस्त बहुत हैं यू हैव टू आपको काम में ना सीरियस होना पड़ता है अगर आपके दो बच्चे हैं और उन्होंने आपका बिजनेस संभालना है और आपको उनसे बड़ा प्यार है तो आप उन्हें तबाह करने देंगे बिज़नेस अपना सही आप नहीं मारेंगे उनके पिछवाड़े पे दो और बोलेंगे कि बेटा इसकी ट्रेनिंग लो इसको समझो क्योंकि बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है इसको आगे लेके जाना है तो आपके अगर बहुत दोस्त अहबाब है हैं आपको उनसे बड़ा प्यार है और आप उनको देख के खुश होते हैं तो फिर आपको वो खुशी मिलेगी एक कामयाब इंडस्ट्री की जो पूरी दुनिया में अपना डंका मनवाती है जिसको देखने के लिए लोग कपड़े फाड़ लेते हैं वो लोग बनाने के लिए कि आपको कोई इंजॉयमेंट नहीं मिलने वाली वैन यू कैन वॉच योर फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी मैं मुतासर हुआ हूँ आपके पास एग्री करूँगा एग्री <laughs> करूँगा सर जी आपकी गदी आ गया हमारा घोड़ा पीछे एग्री वे भी सही बात है जी एक्सपीरियंस बोलता है और बात ऐसी है ऐसी है अच्छा आगर साहब आपने एक इंटरव्यू में गलबन बोला था कि आपको एक बीमारी हुई है कोई जी इसकी वजह से आप बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी जी क्या था वो क्या था थोड़ा बताएंगे सर सराइसेस कहते हैं उसको उर्दू में चंबल कहते हैं उसको चंबल चंबल हमारे सराकी में चबल कहते हैं बे, बेवकूफ को चबल लेकिन चंबल है ये चबल ना बने आप चंबल <laughs> समझे नहीं भी चंबल समझ रहा हूँ चंबल पता नहीं पंजाबी में बोलते हैं उर्दू में बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकिन चंबल हाँ लेकिन सराइसिस एक स्किन क्या आ, है डिजीज तो आप उसको नहीं कह सकते स्किन कंडीशन और वो एक्जिमा का आप कह लें एक एक्सटेंडेड वर्जन है वो एक्जिमा की अब अबू, अबू जमा के हाँ क्योंकि एक्जिमा आपको होता है पर वो क्योरेबल होता है वो दवाइयों से ठीक हो जाता सही। है, है। कंट्रोलेबल होता है पर इसका दुनिया में अभी तक कोई क्योर नहीं है बीमारी दवाई कोई इलाज नहीं हाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको दवाइयाँ हैं आपको सूट कर गई तो ठीक हो जाएगा थोड़े अरसे के लिए फिर वापस आ जाएगा तो वो है अभी भी है क्या उसमें हो क्या जाता है बताना चाहेंगे जैसे आ, अभी तो ये मेकअप हुआ हुआ है जी। पर जैसे ये ड्राई पैचेस दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल तो ऐसे ड्राई पैचेस आपकी स्किन पे हो जाती है स्किन पे और कहीं पे भी हो सकता है ओवरऑल द बॉडी फीट फेस वेराव तो वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है कभी आ, बहुत बिगड़ जाता है कभी ठीक हो जाता है तो वो ऑटोम्यून डिजीज़ है तो आप उसको आ, नहीं कर सकते तो वो अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं सर हम um, नहीं 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 अल्लाह तक इस चीज़ से निजात भी दे mean, दुआ है थैंक यू और बिल्कुल एक भी आपने आगे दी है जी, जी. जो तो जिसका हल हल क्या क्या है है आपने किया है? है, है, हाँ, मैं, मैं उनको यही कहूंगा कि स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें और स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम जितनी चीज़ें करते हैं पानी ज़्यादा पीते हैं फ्रूट्स खाते हैं हेल्दी रहते हैं नींद पूरी करते हैं ये सब चीज़ें तो हंड्रेड परसेंट जरूरी हैं परेशान ना हो इससे क्योंकि मुझे नौ साल हो गए काम करते हुए और चौदह साल हो गए मुझे सराइसिस हुए हुए तो इसके होते हुए भी अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दे दी कि मैं आज आप सामने बैठा हूँ बिल्कुल चौकस बैठे जीरो मीटर है बिल्कुल तो ही नहीं चल रहा तो टेंशन नहीं लेने का टेंशन देने का देने का भी नहीं अच्छा जी टेंशन पे ही बात हो रही है तो किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं लेकिन टेंशन से लेके आया हुआ आप ये देखें सर मैंने बड़ा सपोर्ट किया है खान साहब को और दिल मेरा अभी भी कहता है कि अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दें खुश रखें बट कहीं ना कहीं मैं अब ये मानता हूँ कि किसी भी ऐसी हमारे मुल्क का जो इस वक्त जो जिस सूरत हाल में हम हैं मुझे लगता है हमें एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशन की ज़रूरत है जो पॉलिटिक्स करे आके और अपना काम करे आके जो खान साहब हैं या नहीं खान साहब सर देखें मैं आई वॉज प्रबली मैं सबसे उदास लोगों में था उस दिन जिस दिन नौ मई का वाकया हुआ और किस पॉइंट से? इस पॉइंट से कि मैं अपनी फौज को लेके लेके अच्छा फौज को जी, बड़ा भी रहा मैं चाहना चाहता था फौज में मेरा हाँ। बड़ा ख्वाब था वो हालात नहीं थे वरना तो मैंने आपका थोड़ा सा खान साहब से इस चीज पे दिल खट्टा हुआ आपका सर मुझे नहीं पता क्या हुआ आई मैं एक आम आदमी हूँ मेरे सामने जो हुआ मुझे वो अच्छा नहीं लगा दैट्स ऑल आई नो आई डोंट वॉन्ट एनी वॉन्ट टू डिसक्ट दी आर्मी ये माई आर्म ये आर्मी आपकी पहचान होती है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान आर्मी को लेके हम बहुत बच्चे छोटे नन्हे काके होते थे और हम तब से सुनते आ रहे हैं इस बात को जिया है हमने कि हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है अगर आप देखेंगे कि हमारे ही लोग उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इससे सैड कोई बात नहीं हो सकती तो

सर आ जाए इनमें से कोई आ जाए है आप यही दुआ कर सकते हैं ना कि यार मुखलिस रहे हमारे मुल्क के साथ आ, मैं कहता हूँ जो हो गया इस वक्त वो पॉइंट है कि हमारे मुल्क मैं खोल के लिए मैं खोल जरूर जरूर बिलावल भुट्टो को आप जरा रिप्लेस करें खान साहब से तो कैसा लगेगा सर देखें आप लोग ना बिलावल भुट्टो को रिप्लेस करेंगे पर्सनैलिटी में ना ना ना, ना आप हमारे लोगों को ना बिलावल भुट्टो में नजर आती है सिर्फ एक

इंडिया में रिप्रेजेंट किया है ना उन्होंने वाह वाह बहुत अच्छे तरीके से किया नहीं नहीं तो मैं, मैं आपको बता रहा हूँ like तो कोई भी आए अब अप, अपनी माँ की कसम खा के आए कि मुखलिस रहेगा कम से कम एक टेन तक तो रहेगा तो मुझे लगता है इस मुल्क की कोई बेहतरी हो जाएगी हाँ। कड़वा सवाल करूँ कुछ कड़े कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे लगता है आपके आपको आपके हिसाब से कि छोड़ देना चाहिए काम घर बैठो काफी है जितना भी कर लिया सर देखो एक तो मतलब बड़े लोग हैं जिन्हें छोड़ देना सीखना <laughs> ये बात है ये है अब आप सिर्फ एक्टर दिल पे निकली हुई बात है एक्टर पे नहीं जाए मसलन कोई कोई मुझे लगता है कि मैं मैं दिल से मानता हूं कि कोई भी ऐसा इंसान फ्रॉम दिस इंडस्ट्री चले इसी इंडस्ट्री की बात मेरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कोई भी ऐसा इंसान अगर किसी भी और वजह से काम कर रहा है राधा दिन इसलिए कि ये काम उसकी का। पहली प्रेफरेंस है इंडस्ट्री को बड़ा बनाना ये पहली प्रेफरेंस है उसको छोड़ देना चाहिए काम अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम लूं। नाम नहीं, नहीं लूँगा तो वो मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि सर रब ने इज्जत देनी होती है जिसको देनी होती है अब बड़े होंगे जिसको आप नहीं अच्छे लगते होंगे बड़े हैं जिनको मैं नहीं अच्छा लगता खुश रहें खुश रहें जी मैं पीछे मैंने आपको कहा था पीछे होंगे पीछे थोड़ी देर के लिए, लिए मुझे भी पीछे आने में <laughs> देख ले जी आप मेहमान हैं आप पीछे क्या आगे क्या ऊपर भी आ जाए कोई मसला नहीं टेंशन नहीं ले नहीं नीचे, नीचे? <laughs> <चले>, आया <laughs> <laughs> जहां पे रहना चाहे आप रहे जी। मैं जा रहा हूँ आई लव यू आई लव यू टू और आई लव यू थ्रू अच्छा जी बहुत सारे ममालिकों में ट्रेवल भी किया होगा यकीन जी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जो आप समझते हैं कि यार बार मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ रह सकता हूँ ये ना कहिएगा मैं बहुत हु वतनी और ये पाकिस्तान के बाद बताइएगा uh, अगर आप रहने के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो आई थिंक यहाँ तो लंदन या फिर एनी uh, कनाडा मेरा बहुत करीबी दोस्त है इन इन कनाडा सही है एंड सो uh, so एक तो वो वजह है एन आई नो दिस्टम कैनडा बिकॉज ऑफ हिम तो वो ऑबली सिस्टम बड़े कमाल लोग हैं वो और बहुत ख्याल रखते हैं अपने लोगों का जो लोग हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं या हाँ और लंडन मुझे वैसे ही बहुत, बहुत पसंद, और पसंद है।, है और दुबई के बारे में क्या सर उन्होंने दिया अभी गोल्डन वीजा प्यार है उनका दे दिया लेकिन लेकिन दुबई बहुत बहुत एक छः महीने ही जा सकता हूँ मैं बहुत गर्मी होती है वहाँ अच्छा वेदर वर्स्ट है बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा बहुत अभी ये गोल्डन वीजा के लिए जब मुझे ट्रैवल करना पड़ा इन जून तो मैं नादर पहले दिन होटल से मैं फ्लो में ही हूँ अच्छा वहाँ पे होटल्स में और मॉल्स में वो ए इतना चढ़ा के रखते हैं कि जैकेट्स पहन के लोग घूमते हुए मैंने आ, देखे हैं मॉल्स उसके बरक्स के बरस और आप मैं क्योंकि मारता हमें अपनी आदत है तो मैं बाहर गाड़ी वेट कर रही थी तो वो सिर्फ जो छः आठ सेकेंड थे जिनमें मैं गाड़ी में बैठा हूँ वो उन्होंने ही मेरे दिमाग पर अंडा रख देते हैं आप फ्राई हो जाता इतनी गर्मी थी तो अंडा मुर्गी का तो तो वो बस इस वजह से वरना छः महीने इज़ इज़ दुबई इज़ फैंटास्टिक इट्स सो सिक्योर एंड वेरी वेरी नाइस अच्छा कोई फ़ैन मोमेंट्स बताएँ ज़रा कोई ऐसा अनोइंग फ़ैन या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फ़ैन या कोई ऐसा याद रह गया हो जो एक फैन एनकाउंटर है जो मैं कभी नहीं लाइफ में भूल सकता अच्छा होटल आ आ गया था हाँ। आ थी। और आ, मैं रुका हुआ था कराची में होटल में और तीन तीन चार दिन का स्टे था एक शो कर रहे थे हम और आ, रात में मुझे मैं जब वापस आया शूट से तो कोई खातून थी जो गालिबन लिफ्ट में उन्होंने देखा होगा खातून तो बहुत दीवानी है आप लोगों और, की खासतौर पर ड्रामा अभी आप यकीन करें मैंने घर पे जब बताया <laughs> एक रिस्पॉन्स मिला तो है, है भाई मेरा बहुत बहुत प्यार सब सब ये आई थिंक अल्लाह पाक का ही करना है लेकिन तो खैर मैं होटल में कमरे में आ गया और मेरे साथ एहमर मेरा छोटे भाइयों की तरह है ही विद मी अभी सात आठ साल से अमर सोहेल वो मेरे साथ था और ये बिरमुल जो मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं कई नौ साल से अब तो हम तीन लोग थे कमरे में और ऐसी बातें बातें रहे थे तो मेरी आदत है मैं बहुत कम कपड़े पहनता हूँ पर्सनली अच्छा मैं अच्छा। बनियान में ही रहता हूँ नॉर्मली तो मैं वैसे ही कैजुअली बैठा था जीन्स पे एक वेस्ट पहन के और खाना हमने ऑर्डर किया हुआ था सही है। तो हमें शॉर्ट्स पहनी हुई थी आपने नहीं जीन्स पहना हुआ था पर मैंने शर्ट उतार के रखा और मैं बैठ गया करें वो। और उस वक्त मैंने जीन्स पहना हुआ था वैसे मैं शॉर्ट्स में भी रहता हूँ आपको अच्छा लगा सुन के नहीं मुझे अच्छा लगा मैं तो धोती में रहता हूँ बात है धोती जी जी उड़ के तो तो जाता आप कंटिन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई खाने वाला अभी दरवाजे पे आ जाएगा और इतनी देर में बेल हुई और दरवाज़ा खोला तो वो एक खातून थी जो नॉट नॉट सो ओल्ड छब्बीस सताइस साल उम्र थी उनकी ये तो बिल्कुल यंग है वो <laughs> यार ये तो बिल्कुल मुझे तो कहानी वो लग रही है कोई बिल्कुल यंग तो वो बहुत ही हैरत ज़्यादा एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पे तो जैसी दरवाज़ा खोला उसने वो बिल्कुल बेधड़क वो अंदर आ गई अंदर और अंदर आके उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप तो मैंने कहा आप इसे अंदर आप आ गए इस अंदर आ गए हम घबरा गए तीनों अफसुर्दा भी हुई होंगी तीन चार और भी हैं हाँ वो घबरा गए हम लोग और और ये जो मेरे माशा साथ हैं ये इतने हाँ। दिल वाले हैं हाँ। कि ये बिल्कुल दरवाजे के पास पीछे होके मतलब इन्होंने अपना काम किया कि मैं निकल जाऊं ताकि आगा साहब माइंड ना करें कि यार तुमने जब भी। भी। वो मतलब बाहर क्यों नहीं कर एक ऑटोमेटिकली शायद एक ऐसी वो सिचुएशन बन गई तो वो आई ऐसा पानी का ग्लास ऐसे ही रखा था और उन्होंने पानी का ग्लास उठाया और उन्होंने कहा कि ओह तो इस ग्लास में आगाली पानी पीते हैं और उन्होंने वो पानी पिया अब मेरी हंसी भी निकल रही है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि फिर मैं दो मिनट थोड़ा सा मैं आई गॉट वारेट

मतलब आप, आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे तो मैंने बोला आप हो कौन आप प्लीज बाहर जाओ ऐसे कमरे में नहीं आना चाहिए मुनासिब यही है तो उसने मुझे आगे से कहा कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं हाँ। मुझे मुझे तो वो थी अल्लाह सब से खुश रखे बहुत घुमान था कि कोई देखेगा तो वो बिल्कुल दीवाना हो जाएगा लेकिन फिर हम तीनों कमरे से बाहर निकल गए आपने कहा आप ही रह लो अब कहा आप ही रह लो यार ये आगा साहब सीधा मेरे से क्या मुझे तो ये में मुझे तो पता ही नहीं चल रहा आप लाहौर से आपका ताल्लुक है और वो वाले क्या करते ऐसा मतलब क्रिएट हो गया है जिसके कोई मोवमेंट क्रिएट नहीं हुआ रोमांटिक क्रिएट रोमेंटिक्रिएट कम कम बैठ के एक अच्छी कॉफी पी लेते यार मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई था उस वक्त तो नहीं भी होता तो ऐसे रैंडमली मैं मोमेंट नहीं बनाता कौन था यकीन करें आप कौन था अरे छोड़े सर अरे छोड़े जो हो गया सो हो गया कुधर गया है करके बात पुरानी अच्छा लेकिन ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात भाई कमरे तक आ गई बेड पे बैठ गई तकरीबन एक मामला वो अगर आप देखें ना तो है इतने में इतना एंजॉय कर लिया आप देखे यार आइए देखे <laughs> अच्छा है, अच्छा है, अच्छा आप अच्छा लाहौर से आपका ताल्लुक है चले जी कमेंट टू दॉट का सके जी 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 तो आप कराची में माशाल्लाह रोजगार है आपका आपने जैसे बताया आप यहाँ काम करते हैं पूरी इंडस्ट्री यही है जी तो लाहौर और कराची का कंपैरिजन मैं कराने वाला हूँ करे करे कर दे करे 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 गो है सर यहाँ सीवीओ है वहाँ क्या है सफाई सफाई यहाँ पे इम्प्रेस मार्केट और सदर की वो जो बड़ी विंटेज लुक है जो बड़ा कराची असल ओल्ड कराची वहाँ क्या ओल्ड लाहौर जाए ओल्ड लाहौर आप देखें बादशाही मस्जिद देखें अच्छा पूरा इलाका नारकली देखें या काइदरगंज का मजार देखें साल बड़ा कुछ है सर अल्लामा इकबाल का मजार होगा मतलब आप बारी-बारी बारी-बारी मुकाबला नहीं मैं जरा चाह रहा हूं थोड़ा सा बताएं आप लाहौर को रिप्रेजेंट करें आप <laughs> <laughs> सर देखें इस बात में कोई मजाक नहीं नहीं है कि सारा काम यहां है आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गारंटी कि इतना, आप इतना, प्यार, जला के इतना काम मिला नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छा मेरी अम्मा अभी भी वहीं रहती हैं माँ जी लिव्स देयर माय ब्रदर लिव्स देयर लेकिन सर एज अ शहर कराची 200 साल दूर है लाहौर से अगर आप एक आम शहरी की बात करें पता क्यों वहाँ पे आज भी मेरी वालदा रात दस बजे ग्यारह बजे गाड़ी चला के अगर कहती हैं कि मैं अपनी बहन जो करीबी रहती हैं तो मैं वहाँ से आने लगी हूँ ड्राइव करके या तो मेरे दिल में खौफ नहीं आता मैं अपने घर के बाहर फ़ोन पे बात कर लेता हूँ खड़े होके किसी को रास्ता समझा देता हूँ मैं रख में पैर रख दिया मैं न सची देखिए आपके आम आदमी के लिए, के लिए के प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं लगता शहर का बड़ा खूबसूरत होना ज़रूरी है मुझे नहीं लगता उसका विंटेज लुकना लगना जरूरी है बड़ा आर्किटेक्चर चाहिए सिस्टम चाहिए सिक्योरिटी चाहिए सेफ होना चाहिए बात सही है हमारी बहन बेटियाँ का दिल करे रात को सिक्योरिटी पहली है करने आगा का साथ आगा साहब सिक्योरिटी पहले पहले सबसे पहले आप चाटेंगे आप आप, आप यकीन करें मैं पेरिस में था मैं जी तो मुझे बताया कि यार यहाँ आप कपल ऐसी रोडों पे नहीं घूमना गलियों में काले लूट लेंगे यहाँ पे मैं है मैं कराची से आ, आया या, <laughs> इसी वजह से हो कहूंगे वो वहां की डिप्रेशन यहाँ भी लूट लेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं फिर जाहिर नहीं घूम पाया सर ये तो मैं लंदन जाने वाला था मेरे सपने का पिक पॉकेटिंग बहुत होती है वॉलेट सर मैंने तो कोई ख्याल नहीं किया यकीन करें हुआ भी कुछ नहीं मैं रात को दो दो तीन तीन बजे भी पैकेट में सोहो में इधर उधर जा मेरा दिल किया मैं फिर कराची का कोई वारदात का वाक्य है <laughs> तो है। है मैं अलमदुल्ला आपको लगता है नौ दस साल में वाक्य नहीं होगा हुआ होगा जब तो मैंने पूछा uh, कोई कंगा दिखा के पीछे दो, दो 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 बार ही हुआ एक बार मेजरली जो हुआ वो मैं डी एच ए से गुलशन की तरफ जा रहा था तो गिबन रस्ते में एक मेन रोड पे ही एक पिज्ज़ा हट आता है सही है। और वो थोड़ा सा रोड से स्ट्रीट थोड़ा ऊपर है फुटपाथ वहाँ पे वो बना हुआ है तो मैं गाड़ी वहीं नीचे रोक दी मैंने मैंने कहा तुम घुमा के आओगे देर लग जाएगी मुझे एक सैलेट लेना था तो मैं एक्चुअली मैं पहले रुका था सदर में सदर में। मेरी बहुत ही करीबी दोस्त थी उसकी माशा शादी अब तो खैर बच्चा भी हो गया तो उसकी शादी थी तो उसकी मेहंदी के लिए स्पीकर्स बड़े रिहर्सल्स के लिए चाहिए थे तो मैं नया नया एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था तो मुझे स्पीकर्स ख़रीदने थे तो मैंने उसको बोला कि मैं स्पीकर्स मैंने अपने लिए ख़रीद नहीं है मैं ख़रीद लेता हूँ आज तुम अपने घर पे रखो तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी मैं वापस घर ले जाऊँगा आपने जी तो उसने कहा ठीक है तो मैं बड़ा तैयार व्यार हूँ कि फुल मैं सदर गया और वहीं पे एटीएम से मैंने पैसे निकाले तो स्पीकर्स थोड़े बड़े थे तो आई थिंक टिवटा करोला थी गाड़ी और एक स्पीकर तो गाड़ी की डिग्गी में आ गया एक, एक रखने में बड़ी दिक्कत हुई बस दिक्कत के दौरान मुझे लगता है किसी ने हमें बहुत फुर्सत से देख लिया शॉपिंग की कि मैंने एंजॉय कर लिया है मेरी जेब में पैसे हैं तो वो पीछे पीछे आए हमारे और वो पिज्जा हाट पे मेरी करनी के मैं रुक गया अगर मैं मलिर जाना था मुझे अगर मैं चला जाता तो शायद बच जाता लेकिन जो अल्लाह पाक ने लिखा था उस दिन तो मैं सैलड ले रहा था मैं काउंटर पर खड़ा था अल्लाह माफ़ कर देखे ना इन बातों पर हम हंस देते हैं अब सबसे कमाल बात इस शहर की ये है इतना नॉर्मलाइज हो गया ये कि हम हंस हंस के बताते तो मैं ऐसे खड़ा था तो वो मैंने देखा कि जिस तरह एक बाइक और दो लोग ड्राइवर के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगा कि कोई आपके ड्राइवर के साथ हाँ जो ड्राइवर मेरे साथ उस वक्त था तो मैं वहाँ से मुड़ा और बड़ा मैं हीरो बन के मैं जाने लगा था कि क्या हो रहा है ये तो उनमें से एक ने मुझे आते हुए देख लिया तो बड़े प्यार से उसने मुझे कहा कि एक मिनट तो मैंने कहा रास्ता पूछना होगा कोई बात होगी तो उसने ऐसे मेरा हाथ दबाया पकड़ा ऐसे हाथ में लाया मैंने हाथ में लाया तो जैसे ही मैंने हाथ मिलाया तो उसने बहुत अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया धमकियाँ वम ये वो तो मैंने हाथ दबा दिया उसका मैंने कौन आदमी है ये मतलब आपको एकदम से समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है पर जैसे ही मैंने हाथ दबाया तो उन्होंने ऐसे करके शेयर उठा के मुझे अपना जेवर दिखाया और मैंने फिर उनके कंधे पे हाथ रखे कहा कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तुमने बेफिक्र जहां पे, पे आप आपने मेरा फ्लावर फाड़ना था फट चुका है और बिल्कुल आप कहते हैं ना मुतमिन हो जाए आप और मैंने फ़ोन निकाला उनको दिया वॉलेट में मेरे को अठारह उन्नीस हज़ार रुपया था वो उनको दिया तो मैंने को दो ढाई सौ अलग था वो नहीं दिया <laughs> आ, वो तो, तो, तो सही है उन्होंने कहा ये कहाँ लेके जाना है मैंने कहा सर आई एम सॉरी ये भी ढाई सौ रुपये ये भी आप लीजिए तो उन्होंने पूरा मेरा वॉलेट खाली करा के फ़ोन ले वो एक गाड़ी भी रोकी हुई थी उन्होंने गाड़ी के आगे फुल टेन टनॉल तो वो चले गए और मजे की बात यह है नादिर जहाँ पर ये हो रहा था वहां से चार फुट पे पिज्जा हट के दोनों गार्ड्स बैठे हुए थे और ये हो रहा था और जब वो हो गया और मैं लूट गया तो मैं सैलेड के पैसे दे चुका था तो मैंने जब सैलेड लिया तो मैंने बोला आपके गार्ड यार ये कैसे लोग हैं यार अभी वो मुझे लूट के चले गए तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कहा आ? मैंने कहा यहाँ बाहर ओहो सर ख्याल रखना चाहिए था आपको तो असल में वो पिज्जा हट वाला तनखा देता है ना उसे ये भी तो मसला है आपकी तरफ से कुछ जाता तो यकीन तो सर ये जो है ना ये यहाँ पे तो आके बात खत्म हो जाती है बस यहाँ होती है हाँ ना सर सब ज्यादा कमाई करके देने वाला शहर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर आपके मुल्क का सबसे बड़ा शहर इसी को आप सेफ नहीं रख सकते तो फिर क्या और अच्छा जी सोशल मीडिया का दौर है जी सर और ये खड़ा हो गया कि अपने पूरे कद के साथ जी आपने एक तो क्या कह रहे हैं हम नेटफ्लिक्स जी Amazon Prime और इन लोगों की वेब सीरीज के दौर है जी तो क्या लगता है पाकिस्तान की मार्केट को भी शिफ्ट होना चाहिए इन जगहों पे वेब सीरीज की तरफ आए हैं जरा इस चीज को डिजिटल को बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है सर ले तो बहुत ले रहे हैं बना नहीं पा रहे बस वो मुझे लगता है एक दिन इनशाला अच्छा कुछ हम बना लेंगे <laughs> लेकिन ऐसा नहीं कि डिजिटली काम नहीं किया बहुत काम किया पाकिस्तानियों ने वो अनफॉर्चुनेटली हम शायद आई डोंट नो हम शायद नस नहीं पकड़ पा रहे हैं अभी उसकी वरना मैंने डिजिटल के लिए दो चार चीज़ें यूट्यूब के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बना रहे हैं उर्दू फ्लिक्स नाम से अभी एक ओ आ, आ, आ गया था आई थिंक जी के लिए हमारे लोगों ने दो चार चीज़ें बनाई हैं ऑलरेडी हम डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं बस वो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हमें समझ आएगा कि हमने कहाँ हिट करना है आई जस्ट के के लिए अगर sure yeah, yeah, yeah. mm. 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 इसको सही तरीके से स्टोरीज तो हर मोहल्ले में होती आ, है ना वो तो, उन स्टोरीज को पेपर पे उतारना आ, ये गेम है ये चाहिए लोग दिखाना कहानियां तो आप दुनिया से ज्यादा दिखाए आपको कहानियां मिलेंगी कहानियां पर्चे पे उतारने वाले फिर उसको स्क्रीन पे उतारने वाले ये काम सबसे ज्यादा किसका अहम किरदार होता है राइटर का डायरेक्टर का एक्टर सब का, का से सबका नहीं एक अगर कैप्टन ऑफ द शिप आप किसे कैप्टन ऑफ द शिप तो डायरेक्टर ही होता है इज़ इज विजन देयर बट देन अगेन उसको भी अपना काम किसी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी से ही करवाना पड़ेगा कैमरा मैन उसका काम छापेगा जिस म्यूजिशन ने उसको बैकग्राउंड स्कोर देना है जिस एडिटर ने काटना है इवेंचुअली ये सारे स्टेप्स में जब कमाल काम होता है तभी किसी को असकर मिलता है तभी फिल्में याद रखी जाती हैं तभी मौला जट बनती है तभी शोले बनती है तभी तभी हमारी भी जितनी अच्छी फिल्में बनी जवानी फिरनेानी पार्ट वन पार्ट टू बोथ वो फैंटास्टिक आ, नबील कुरेशी साहब ने जितनी फिल्में बनाई तो ऐसा नहीं है कि काम बट ये बहुत बहुत कम है मुझे लगता है इन डायरेक्टर्स को जब इनकी देखें ना आपकी फिल्म सत्तर करोड़ का बिज़नेस करती है अब आपने अगली बनानी है वो आपने बाईस पच्चीस करोड़ की बनानी है जो पिछली बनाई थी जिसमें आपको सत्तर करोड़ कमाने को मिला वहाँ आपको बाईस पच्चीस का फ़ायदा हुआ तो आपको इंडस्ट्री को वापस भी देना चाहिए ना बारह करोड़ पे आप एक छोटी फ़िल्म बनाएं यू you नो know, आप टाइम लें बनाएं पर बनाएं आपको हमारे यहाँ बड़ा प्रोड्यूसर एक बार पैसे कमा लेता है फिर वो चार साल फिल्म ही नहीं देता इंडस्ट्री को कोई भी वंदे अर्न जैसे अभी अली जफ़र साहब ने एक फिल्म बनाई थी

अच्छा अच्छा होपफुली अल्लाह करे नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हैं हमेशा या, या। और इनका नाम एक वाकी ब्रांड बन गया अच्छा आपने नेगेटिव किरदार भी अदा किया बहुत ज्यादा जी, जी और पॉजिटिव भी किया नेगेटिव के बाद बाहर लोग पकड़ते नहीं नहीं इतना करते हो ज्यादा प्यार करते हैं नेगेटिव को हाँ नहीं करे देखे सैडली हमारे ड्रामे का हीरो एक ही है उसका कभी नाम जमाल है कभी सईद है कभी अफजल है कभी जावेद है पर वो है एक ही बंदा अच्छा वो जो एक घर में रहता है जिसकी माँ उसकी शादी कहीं और कराना चाहती है वो कहीं और करना चाहता है और वही वही कैरेक्टर है जो बार बार इट विल शिफ़्ट ऑन अदर एक्टर्स तो जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो जो वाकई आपको पसंद करते हैं उनको आपका एक और शेड देखने को मिलता है और आई थिंक हमारे यहाँ भी अगर आप पिछले पाँच आठ साल का हिस्ट्री निकालें तो जितने हीरोज आपको सुपरस्टार बनते हैं या ओवरनाइट स्टार्स बनते दिखे हैं वो सब वो थे जिन्होंने ऑफ़ कैरेक्टर प्ले किया था अच्छा 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 चाहे वो फिरोज हो चाहे वो अच्छा, मुझे हो, एक वाकिया, वो, वाकिया आ रहा है शाहूद अलवी जी उन्होंने एक नेगेटिव करेक्टर किया था जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पे स्क्रैचेस वगैरह मार दिया था लोगों ने और बहुत ज्यादा उन्होंने किसी इंटरव्यू में बताया सर वो 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 बहुत आउट देखे, वो बहुत यार लोग बहुत वो बहुत आउट 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 अच्छा। यार लोग ज्यादा ना एंड नेगेटिव होगा हमारे यहाँ जब हीरो नेगेटिव करता है तो वो एंटी हीरो होता है तो कहीं ना कहीं आप उसको घसीला और टॉक्सिक दिखाते हैं पर फिर वो गुड लुकिंग भी होता है फिर वो स्टाइल भी मारता है फिर वो स्वैग में भी रहता है लेकिन जो विलन होता है स्पेशली uh, शूद भाई या या शफकत चीमा साहब मेरे बड़े जिंदगी के uh, फेवरेट विलन रहे बहुत हैं सही उससे सही पहले हमारी फिल्मों में देखें आप सैडली ऐसी मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि आपकी इंडस्ट्री ने आपकी पुरानी फिल्में ही प्रिजर्व नहीं की हुई अब आज की जनरेशन को आप बताएं शफकत चीमा साहब वो नाम जानते होंगे तो जानते होंगे कौन सी फिल्म जानते होंगे उनकी शफकत चीमा साहब या या और सत्तर हमायूं क्रेशी साहब बोल, में क्या नाम सुना है हमायूँ कुरैशी जी देखें अब इस बंदे ने 500 800 फिल्म की होगी जब सुल्तान रही साहब वॉज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द इंडस्ट्री इन द पंजाबी सेक्टर ही वॉज़ द अमरीश पुरी ऑफ आर इंडस्ट्री और उनकी उतनी ही फैन फॉलोइंग थी जितनी एक हीरो की आप समझ सकते हाँ। कि होती है सो so, सो so ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ लोगों की करियर्स की अब लाइफ नहीं होगी वो ऐसे होगा कि आप आ गए हो हिट हो गए जितना कमाना है कमा लो जब तक तो बुढ़ापे में नहीं चले जाते फिर भाई के करेक्टर करना शुरू कर देना फिर तुम मर जाओगे अच्छे, तुम अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त की तैयारी कर ली जाए मेरा मानना है ऐसा ही है ऐसा ही है और ऐसा ये चीज फॉर पर इंडस्ट्रीज में ऐसा होता नहीं है आपको आपका टैलेंट प्रिजर्व करना पड़ता है आप हम बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर होते हैं आप वहाँ देखो वहाँ एक्टर को बूढ़ा नहीं होने देते क्यों नहीं होने देते वो साठ साल की उम्र में 24 साल की लड़की के साथ आ रहा होता है और फिल्म 1500 करोड़ का बिजनेस कर रही होती है कैसे वो भूलने नहीं देते आपका बाईस साल पुराना काम भी हमारे यहाँ दो साल पुराना काम नहीं याद रहता किसी को क्योंकि वो उसका कोई कोई सिस्टम ही नहीं है कि उसे प्रिजर्व करें नहीं, नहीं जी आप जैसे काबिल एक्टर्स सिंगर्स फील्ड में होंगे तो शायद पाकिस्तान

ओ हो हो सर सर इट्स अ थैंक्स अ लॉट बहुत शुक्रिया आपके आने का मैं एक जुमला बोलता हूँ सबके लिए कि इस वक्त इस नफसा नफसी में सबसे कीमती चीज वक्त है बिल्कुल बिल्कुल वो आपने निकाला और आप आए थैंक यू सो मच और कोई बात अगर मेरी बुरी लगी है वो मैं आपसे ऑन एयर माजरत अरे आई लव यू थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आप जितना एंटरटेन करते हैं जितना कमाल काम करते हैं उसके लिए और हम जैसे को हंसाने के लिए क्योंकि दुनिया में बहुत गम है और मुझे लगता है वो जो हंसा रहा है उससे कमाल काम कोई नहीं कर रहा है so थैंक यू और अल्लाह पाक आपको और बहुत कामयाबी दें आई विश कि ये ऐसिया प्लेटा मैं कहना कि पूरी दीवार त लगियाँ हों तो थैंक यू यूंगी लवेंक यू लव यू यू थैंक सो मच और सवा तीनों इस पॉडकास्ट को इख्ताम करेंगे इस दुआ इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और आग़ाली को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज अ